Hello everybody, welcome to our channel Study Mania platform. So today we will discuss soil mechanics. आज हम soil mechanics discuss करेंगे, वो भी short notes जो कि important है सारे examination के लिए. So we will discuss all the topics and concepts of soil mechanics. So we will go through fast, okay? Slightly fast, okay? थोड़ा speed होगा, जिसके अगर धीरे धीरे पढ़ाए तो वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? So उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम और भी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स के वीडियो बना सकें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट सॉइल मैकेनिक्स. सो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सॉइल मैकेनिक्स जो जनरेट हुआ जिनके वजह से हुआ वो थे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल टर्जाकी. ओके, उसके बाद अगर हम देखा जाए स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, ओके, उसे हम बोलते हैं पेडोलॉजी. ये सबको पता होगा शायद. उसके बाद जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक की वजह से होता है. तो रॉक का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे सॉइल फॉर्मेशन हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक की वजह से होता है. ये तो बेसिक बातें हैं, पता है सबको. तो होता क्या है, उस सॉइल को फॉर्म करने के लिए वेरियस एजेंसी की भी ज़रूरत पड़ती है. उसमें एयर हो गया, वाटर हो गया और आइस हो गया, ठीक है? तो जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग का सॉइल फॉर्मेशन का जो साइकिल होता है वो कैसा होता है. सबसे पहले कोई एक रॉक है, ठीक है, सबसे बड़ा रॉक है. उसके ऊपर में वेदरिंग प्रोसेस हुआ. मान लो कोई बारिश हुई या फिर हवा जोर का आया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा रॉक. उसके बाद वो मतलब कि उसे बोलते हैं हम वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है. उस वेदरिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा कि जो टूट गए हैं रॉक्स जो हैं वो टूट गए हैं, वो क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है. ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है. ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो क्या होगा, एक कहीं भी जाके एक जम जाएगा, ठीक है. जम हो गया तो धीरे 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 वो अपहिवल में फॉर्म हो जाता है, ठीक है. तो उसे हम वो हमारा साइकिल बन जाता है, ठीक है, सॉइल का. तो अभी सॉइल कैसे फॉर्मेशन हुआ ये पता चला. अभी हमें ये भी पता है कि वेरियस टाइप ऑफ दी सॉइल्स होते हैं, ठीक है. वेरियस टाइप ऑफ लोकेशन में वेरियस टाइप ऑफ सॉइल हम देखने को पाते हैं, ठीक है. तो हम प्रैक्टिकली लाइफ में भी देखते हैं कि इस जगह में जैसा मिट्टी का कलर होता है दूसरी जगह में उस कलर का मिट्टी नहीं होता है, और इस सॉइल का प्रॉपर्टी जो होता है उस सॉइल का प्रॉपर्टी नहीं, वो नहीं होता है, ठीक है. तो अब वेरी टाइप्स ऑफ द सॉइल में सबसे पहले एक एलुवियल सॉइल होता है जो कि रिवर की वजह से फॉर्म होता है. रिवर वाटर के थ्रू से वो ट्रांसपोर्ट होता है और फॉर्म होता है, ठीक है. उसके बाद होता है एक मैराइन सॉइल. मैराइन मतलब नाम से पता चल जाएगा, सी वाटर की वजह से ही फॉर्म होता है. लैकस्टाइन सॉइल जो कि लैक के स्टील वाटर लाइक एस लैक की वजह से होता है, ठीक है. जैसे एओलाइन सॉइल. एओलाइन जो सॉइल होता है वो विंड की वजह से होता है. एक होता है कॉलिवियल सॉइल जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. ग्लेशियल सॉइल जो कि आइस की वजह से होता है. लॉयस जो होता है एक एलुवियल एओलाइन सॉइल ही होता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी होता है उसमें एक कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है. ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है इसमें, ओके. यही फ़र्क होता है एओलाइन और लॉयस में, ठीक है. ओके, देन सॉइल को हम वी नो दैट सॉइल के तीन फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है. तीन फेज बनाते हैं उसका. एक होता है सॉइल का, ठीक है. उसके बाद होता है वाटर एंड तीसरा होता है एयर का, ठीक है. अगर मान लो सॉइल में तीनों हैं, ठीक है, वाटर भी है, एयर भी है, सॉइल है, ठीक है. तो ये थ्री फेज डायग्राम हो जाता है. अब सॉइल में मान लो सैचुरेटेड सॉइल है मतलब उसमें हवा नहीं है, एयर नहीं है, राइट. तो अगर एयर नहीं है तो वो क्या हो जाता है, वो सॉइल और वाटर हो जाता है. तो दो फेज हो जाता है. अब मान लो सॉइल पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सॉइल में एयर है लेकिन वाटर नहीं है. अगर वाटर तो सैचुरेटेड हो जाता तो वाटर नहीं है, तो वो एयर एंड वाटर, ये दो फेज हो गया, ठीक है. उसके बाद हमारा वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर के बारे में चलते हैं. तो वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर में सबसे पहला आता है वाटर कंटेंट. तो वाटर सॉइल में वाटर कंटेंट कितना होता है, वेट ऑफ द वाटर बाय वेट ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. वॉल रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. मतलब कि ये जो हम देखते हैं वो सॉलिड के बेस में देखते हैं. ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड होता है ना, ये कांस्टेंट मैटर होता है, वो कभी भी कांस्टेंट पैरामीटर होता है, वो कभी भी एक चेंज नहीं होता है, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद पोरोसिटी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स बाय टोटल वॉल्यूम होता है. जब तो टोटल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब कि मान सॉइल है, सॉइल में जो भी रहना चाहिए वो है, ठीक है. तो सॉइल में जो मिट्टी का पोर्शन है, जो सॉलिड पोर्शन है, वो कभी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता. लेकिन टोटल वॉल्यूम में वो चेंज हो सकता है. टोटल वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम चेंज हो सकता है. मान लो सॉलिड के साथ मान लो एयर है, ठीक है. एयर के जगह में वाटर है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है वहाँ पर, ठीक है.
उसके बाद डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स। तो ये जो हम वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स के टर्म में देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम हमारा जो वाटर रहेगा वो वर्ड्स में रहेगा ना, तो वर्ड्स के टर्म में देखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद एयर कंटेंट, एयर कंटेंट जो हो जाता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 - s से भी। तो जो एयर कंटेंट ये देखते हैं वो वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स के टर्म में देखते हैं, ओके। उसके बाद परसेंटेज एयर बर्न, एयर कंटेंट के साथ और एक आता है हमारा टर्म परसेंटेज एयर कंटेंट, जो कि हम वॉल्यूम ऑफ द एयर को टोटल वॉल्यूम के टर्म में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो इसे बोलते हैं ईटा, ठीक है, जो ईटा हो गया उसको हम बोलते हैं एन इंटू ए सी, ठीक है। एयर को फॉर्मूला आ जाता है कि हमारा जो एयर कंटेंट एयर वॉइड्स जो होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड्स जो होता है उसे हम और एक टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर कंटेंट, एयर कंटेंट, राइट। देन बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का मतलब यह है कि सॉइल जो भी कंडीशन में हो, चाहे ड्राई हो चाहे गर्म हो, वो मुझे नहीं पता, तो उस चाहे जो भी कंडीशन के लिए टर्म के लिए उसमें हम बल्क वेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट जो होता है वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो वेट में देखो वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉइल प्लस वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द एयर, एयर का वेट कुछ होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, करेगा ना। एयर को हम वेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, उसका वेट तो जीरो होगा, तो इसलिए वेट में सॉइल प्लस वाटर का वेट लिखा गया है और वॉल्यूम, लेकिन एयर जो है वो जगह तो ऑक्यूपाई करेगा, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो उसका वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं, वेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके। देन ड्राई यूनिट वेट, ड्राई मतलब समझ में आ रहा है, उसमें एयर है, तो हम क्या करेंगे, गामा डी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल बाय वॉल्यूम, ओके, ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ओके ओके। तो उसे भी इसे रिप्रेजेंट किया गया है। सेचुरेटेड यूनिट वेट, सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ द सेचुरेटेड सॉइल, वेट ऑफ द सेचुरेटेड सॉइल बाय वॉल्यूम, ओके। अब जो वॉल्यूम है, सेचुरेटेड का वॉल्यूम तो मुझे नहीं लेना ना, टोटल वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, पानी के साथ सॉइल का भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और ड्राई में एयर के साथ वॉल्यूम, एयर का, एयर के साथ, क्योंकि सॉइल के अंदर में एयर है तो वॉल्यूम तो टोटल जाएगा ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर है, तो उसे हमें कैसे, उसे जो, उसे डिराइव कैसे किया गया है, वेट ऑफ द सॉलिड बाय ए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ द वाटर। अभी देखो होता क्या है कि वो कैसे वेट के टर्म में लिखा है, एक्चुअली जो जी का वैल्यू जो पहला लिखा हुआ है, जैसे कि ठीक है, ये टर्म जो लिखा हुआ है ये जो है वेट के टर्म में लिखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है, वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड बाय यूनिट वेट, यूनिट ऑफ द वाटर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो अभी इस पोर्शन में देखो वेट ऑफ द सॉलिड लिखा है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द वाटर। अब वेट ऑफ द वाटर जो होगा कि जब हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो वेट ऑफ द वाटर निकालना है तो यूनिट वेट ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द वाटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर यहाँ पे जो होगा वो सॉलिड के वॉल्यूम के साथ सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर के साथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है कि जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम जो होता है सॉइल एंड वाटर का वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ठीक है। देन नेक्स्ट, अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी मान लो जैसे कि अब मान लो अपेरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अभी हमें सॉइल का कंडीशन कुछ पता नहीं है, ठीक है, सॉइल क्या है मुझे नहीं पता, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बल्क यूनिट वेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू वो, हाँ एक्चुअली होता है क्या है कि जो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैसे निकालेंगे, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ऐसे निकालेंगे। तो नीचे में हमेशा यूनिट वेट ऑफ द वाटर ही रहेगा, ठीक है। ऊपर जो सॉलिड का पोर्शन है वहाँ पे, यहाँ पे चेंज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं चेंज तो कुछ नहीं किया है, अभी देखो वहाँ पे क्या लिखा था, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वहाँ पे एक परमानेंट सॉलिड के बाद बोल रखा है जो कि मेरा कांस्टेंट है, लेकिन इस पोर्शन में मुझे नहीं पता, ठीक है। इस पोर्शन में एक अपेरेंट मतलब कि एक मतलब नहीं
मतलब कि ये पोर्शन में हम जो यूज़ करेंगे वो टोटल वेट को यूज़ करेंगे। उस वक्त मुझे नहीं पता कि सॉइल में एयर है या नहीं है, सॉइल में वाटर है या नहीं है, किस कंडीशन में सॉइल है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये बात याद ध्यान रखना है कि एपरेंट में हम टोटल को लेके चलेंगे, बल्क यूनिट वेट को। बल्क में क्या करते हैं, उस सॉइल जिस भी कंडीशन में हो वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है। सॉइल जिस भी कंडीशन में है हमें उस सॉइल को उसी तरह एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे बल्क का लेते हैं, मतलब कि बल्क यूनिट वेट में क्या करते थे, बल्क यूनिट वेट में क्या करते थे, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, ऐसे ही लेते थे ना, कहाँ गया, हाँ टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम लेते थे। बस उसी हिसाब से एपरेंट में भी चलना है, एपरेंट ग्रेविटी में टोटल वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम, अभी हमें वेट ऑफ दी वाटर लिखना है ना, तो वेट ऑफ दी, अभी देखो जैसे कि वेट ऑफ दी वाटर लिखना है, तो अभी मुझे पता है, हाँ अभी मुझे पता क्या आता है, वी नो दैट यूनिट वेट ऑफ दी वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बात हम सबको पता है। तो अभी मुझे क्या करना है, वेट ऑफ दी वाटर को रिप्लेस करना है, वेट ऑफ दी वाटर के जगह में हमें इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, यूनिट वेट ऑफ दी वाटर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब और एक बात मुझे पता है कि जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड के साथ सेम होता है ना सॉइल के साथ। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ दी वाटर जो होगा वो टोटल वॉल्यूम के साथ सेम होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। थोड़ा या अगर कोई याद रख सकता है तो वो याद रख सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि ये बात याद रखना है कि अपेरेंट का मतलब ये होता है कि सॉइल जो भी कंडीशन में है, जैसे हम बल्क को लेके चलते हैं, इसीलिए ये बात भी ध्यान में आ रहा है। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉलिड नहीं लिखे, बस यूनिट वेट का ही साइन लिखा है, गामा ही लिखा है, गामा सॉलिड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, गामा सॉलिड नहीं लिखा हुआ है, बस गामा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम याद रखना चाहते हैं तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है यूनिट ऑफ द सॉलिड बाय यूनिट ऑफ द वाटर होता है, और एपरेंट में जो होता है वो टोटल बल्क को लेते हैं हम लोग, जो सॉइल जो भी कंडीशन में हो, यही बात हो गया, ठीक है, ओके। देन यूनिट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय 1+W, मतलब कि वाटर कंटेंट, ओके, ये एक फार्मूला हो सकता है, ठीक है। वैसे एक और एक फार्मूला हो सकता है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बाय 1+W, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कोरिलेट किया है कि गामा को वो यूनिट वेट के जगह में वो वेट को लिखा है, जैसे यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे वेट के जगह में गामा को लिखा है ना, बस वही कि W की जगह में गामा को रिप्लेस किया है, और ये जो टोटल वेट है उसको गामा से रिप्लेस किया है, बस यही बात है। तो एक फार्मूला याद रखने से दो फार्मूला हमारा याद रहेगा। अगर एक फार्मूला याद रखते हैं कि अगर मान लो ये फार्मूला याद रखा, ठीक है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बाई 1+W, तो ये बात हमें याद रह जाएगा, वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाई 1+W, ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसके बाद और एक हमारा फार्मूला आ जाता है, ये सब जो फार्मूला है वो हमें ये याद रखना है, क्योंकि हम कहीं भी जाकर डिराइव नहीं कर सकते किसी भी फार्मूला को, कोई भी एग्जाम में आया तो हमें डायरेक्टली एग्जाम में जस्ट गेट पुट द फार्मूला गेट द आंसर यही करना होता है। तो हमें कभी भी ये करने का टाइम नहीं मिलेगा कि इसे ये फार्मूला आया कहाँ से, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट, ओके। उसके बाद एन जो होता है पोरोसिटी को हम मतलब पोरोसिटी एंड ई के ई में रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ चुके हैं कि पोरोसिटी का वैल्यू क्या होगा जब ई का वैल्यू 0.5 है या फिर ई का वैल्यू 1 है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल पोरोसिटी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1+E, या फिर अगर e के बारे में पूछा है तो n डिवाइडेड बाई 1-N, ओके। देन नेक्स्ट s इज इक्वल टू w इंटू जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर देखा जाए, अगर SSC के क्वेश्चन कोई भी देखे होंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ चुके हैं, और ये भी बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। ये सब बाकी का नहीं, बाकी तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन ये बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद गामा, ठीक है, तो गामा में पूछ गामा या सो गामा, ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1+W/1+E, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखने से हम बहुत सारे फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, जी गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
ये 1+W, ठीक है, 1+W डिवाइडेड बाय, तो ये जो W है ना ये वाटर कंटेंट है, ठीक है, जो कि जहाँ के भी मुझे पता है एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है, ये बात पता है ना। ओके, देन गामा डी इज इक्वल टू, अभी देखो गामा डी में क्या होता है, गामा डी, ठीक है, गामा डी के बारे में, गामा डी में मुझे पता है एयर होगा, वाटर नहीं होगा, तो ये वाटर जो होता है तो जीरो हो जाता है, बाकी यहाँ पे वन हो जाता है, ये वन रहेगा, तो जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1+E हो गया, ठीक है। उसके बाद देन गामा सेचुरेटेड में क्या होता है, ठीक है, गामा सेचुरेटेड में जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1+E इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, ये बात रहा। उसके बाद और एक फॉर्मूला आ जाता है आपका गामा डी इज इक्वल टू गामा बाई 1+W, जो कि हम ऐसे भी कुछ लिखे थे इसे कि डब्ल्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय 1+W, ऐसा कुछ लिखे थे ना, तो इसे ही कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग, गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1+E एंड गामा डब्ल्यू। तो अगर देखो जी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1+E, ठीक है, ये जो होता है इतना, ये जो होता है हम लोग का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, IC जिसे हम लिखते हैं, तो वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम आगे जब चलेंगे तो ये फॉर्मूला भी आएगा, ठीक है। देन मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, देखो वाटर कंटेंट जो कि प्रॉपर्टी होता है वाटर का, सॉइल का, जिसमें हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का भी वेरियस फार्मूला होता है, ठीक है, तो सबसे पहले होता है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में क्या किया जाता है, W1, देखो ये जो सब W1 ये W3 होगा, ठीक है, यहाँ पे गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे W3 होगा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, तीन, ठीक है, ये जो होता है 1, ठीक है, ये जो होता है, ये होता है 1, ये होता है 2 एंड ये होता है 3, ओके, सो इसमें क्या किया जाता है, ये जो होता है वो एम्प्टी रहता है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, मॉस सॉइल रखा जाता है, इसमें क्या किया जाता है, सॉइल के साथ वाटर रखा जाता है, यहाँ पे सॉइल भी है और वाटर भी है। उसके बाद इसे ओवन ड्राई करा जाता है, ओवन ड्राई करने के बाद यहाँ पे जो रहता है वो ड्राई सॉइल रह जाता है, तो W1, W2, W3 ऐसे डिनोट किया गया है बस। देन ये मेथड में देखो पिक्नोमीटर, तो हमारा जो वाटर कंटेंट होता है ना वो पिक्नोमीटर मेथड से और ओवन ड्राइंग, ये दो मेथड से यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक बात है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है वो बहुत ही रैपिडली हमें क्या करता है, वाटर कंटेंट का वैल्यू जो होता है वो निकाल के देता है, बहुत रैपिड मेथड है, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, सॉइल में कैल्शियम कार्बाइड को ऐड किया जाता है और कुछ टेम्परेचर पर उसे रख दिया जाता है, उसके बाद जो मतलब बहुत ही रैपिडली वो क्या करता है, वाटर को इवेपोरेट करा देता है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि टोटल वॉल्यूम जितना है, मतलब कि टोटल वॉल्यूम मान लो सॉइल में वाटर जितना है, ठीक है, सॉइल भी है प्लस वाटर भी है, तो सॉइल प्लस वाटर को हम वेट कर लिए, उसके बाद इसे जब हम कैल्शियम कार्बाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, सारा सॉइल उड़ जाएगा, सारा एयर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, एयर इवेपोरेट होने के बाद खाली सॉइल बच जाएगा, ड्राई सॉइल, अभी इसको इसे वेट करेंगे तो टोटल से इसे माइनस कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा ना, तो पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। पिक्नोमीटर मेथड में क्या किया जाता है, चार लिया जाता है, तो एक में क्या जाता है वो एम्प्टी रहता है, दूसरा में क्या जाता है मॉस्ट सॉइल लिया जाता है, ठीक है, मॉस्ट सॉइल लिया गया, तीसरा में क्या किया जाता है सॉइल के साथ एयर वाटर रखा जाता है, ठीक है, और इसमें ओनली वाटर रखा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, एक ये दो ये तीन ये और चार ये, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ द यूनिट, अभी देखो यूनिट वर्ड कैसे निकालते हैं, सबसे पहला आता है कोर कटर मेथड। कोर कटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे क्या किया जाता है, जिसका जो वॉल्यूम होता है वो कुछ 1000 cm³ होता है, ठीक है, ओके, 1000 cm³ होता है, तो क्या किया जाता है इसे, क्या ये जो कुछ ऐसा होता है, बताती हूँ, वेट, कुछ ऐसा होता है, ओके, ठीक है, इसे क्या किया जाता है, इसे मतलब जहाँ पे सॉइल होता है ना, ये एक्चुअली ना क्या किया जाता है, अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, इसको जब हम मिट्टी में डालेंगे, ठीक है, सॉइल में कहीं पे इंसर्ट किए, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ओके, यहाँ पे हम सॉइल में इंसर्ट किए, ठीक है, ये सॉइल है। अभी देखो अभी क्या किया जाए कि अभी ये कुछ है ऐसा, तो ये जो इसे हम जब
सॉइल में डालें तो ये क्या, इसे हम निकालेंगे सॉइल के, सॉइल से ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जब अगर सैंड होगा उसमें तो कोहेजन बिल्कुल नहीं होता है, तो इसमें चिपक नहीं पाएगा और वो ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आ नहीं पाएगा, बिल्कुल भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे हम कोहेसिव सॉइल ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो ग्रेवली यहाँ पे स्टोनी या ग्रेवली ये सब के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसका वॉल्यूम पता होता है और जब हम, और हमें क्या चाहिए, यूनिट वेट चाहिए। तो अभी देखो यूनिट वेट चाहिए मुझे, ठीक है। तो हमें जो इसका वॉल्यूम तो मुझे पता है, ठीक है, वॉल्यूम पता है इस जगह में कितना वॉल्यूम है, और बाकी जो सॉइल आया है उसे वेट कर देंगे तो उसका वेट मुझे मिल जाएगा, तो वेट बाय वॉल्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। क्या किया जाता है, सबसे पहले एक सॉइल है, ठीक है, जिसका वेट है W1, ओके। उसके बाद क्या किया जाता है, और एक उसके बाद ये जो सॉइल है, ठीक है, ये जो सॉइल के अंदर क्या, ये जो सॉइल रहा, ठीक है, ये रहा मेरा सॉइल जिसका वेट था W1, ओके। उसके चारों तरफ क्या किया गया, एक वैक्सिंग का लेयर दिया गया, ठीक है, वैक्सिंग का लेयर दिया गया। अब इसे क्या किया जाएगा, ये टोटल सॉइल हो गया, ये बात रहा। उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो इसमें कुछ पानी लिया जाता है, ठीक है, वाटर लिया जाता है। इसके बाद इसे क्या किया जाता है, इसमें डाला जाता है, ठीक है, इसे डाल दिया गया, ठीक है। अब इसे जब डालेंगे तो अब पानी ओबियसली निकलेगा, निकल के दूसरे वाले पोर्शन में जाएगा, दूसरे वाले जो भी हम अपना कोई भी जगह रखे होंगे ये उसमें जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मुझे वेट ऑफ़ दी वाटर, वेट ऑफ़ दी सॉइल बाय वेट ऑफ़ दी वॉल्यूम ऑफ़ दी सॉइल चाहिए, ठीक है, यही चाहिए ना। तो अब क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ़ दी सॉइल तो हमें ये W1 से मिल जाएगा, वेट ऑफ़ दी सॉइल ये है। अभी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें कितना पानी है मुझे पता है, तो वॉल्यूम ऑफ़ दी वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ़ दी वाटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर तो मुझे पता है जो कि वो जार में था। उसके बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दी वैक्स माइनस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी देखो, अभी हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। अभी मुझे वॉल्यूम ऑफ दी वैक्स कैसे निकलेगा ये जानना ज़रूरी है। अभी देखो यूनिट वेट ऑफ दी वैक्स का, वैक्स क्या होगा, वेट ऑफ दी वैक्स, अभी हमें वैक्स पता चल जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दी वैक्स, मुझे वॉल्यूम ऑफ दी और यूनिट ऑफ दी वैक्स जो भी हो सकता है जो, ठीक है। तो यूनिट वेट, तो यूनिट वेट से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम यूनिट वेट से क्या करेंगे, जब वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ दी वैक्स जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, तो वही हमें चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सॉइल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, हमें सॉइल का वॉल्यूम ही चाहिए, सॉरी यूनिट वेट चाहिए, राइट, हाँ यूनिट वेट, ओके। देन या टोटल वाटर से वॉल्यूम ऑफ दी वाटर से वॉल्यूम ऑफ दी वैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें सॉइल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिल जाएगा ना, क्योंकि अरे मतलब होता क्या है कि जैसे कि ये वाटर था, ठीक है, ये जार था, हम इसमें वाटर था, इसके साथ हमें सॉइल लिए, सॉइल के चारों तरफ कुछ था, क्या था, वैक्स था, ठीक है। अभी मुझे इस पोर्शन का वॉल्यूम चाहिए, तो ये टोटल वाटर से इस वैक्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ एग्जाम में पूछता नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोहेसिव सॉइल के लिए नेसेसरी। ऑब्वियसली एक सॉइल का कुछ सॉइल को ऐसे रखना सैंड में पॉसिबल है क्या, सॉइल इसके चारों तरफ वैक्स को लगाना सैंड में हम कभी भी नहीं कर सकते हैं क्या, तो ये कोहेसिव सॉइल के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सॉरी देन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, ठीक है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक ट्रेंच बनाया जाता है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके। और उसके बाद एक शटर होता है, ओके, एक शटर होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, इस बॉक्स में कुछ ऐसा कुछ शटर होता है, ठीक है, इस बॉक्स में यहाँ पे सॉइल होता है। अभी क्या किया जाएगा, ये जो ट्रेंच है ना, इस ट्रेंच का वॉल्यूम मुझे पता होता है, ठीक है, इस ट्रेंच का वॉल्यूम मुझे पता होता है, राइट, तो पता होता है, तो इस शटर को हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, खोलने की वजह से वो सैंड जो है वो नीचे आ जाता है। नहीं, सॉइल में तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है क्या,
सैंड में कोई भी नीचे जाता होता है तो उसे टक टक करके डालना पड़ेगा नीचे, तभी वो गिरेगा। तो सैंड में वो पसी पहले आराम से नीचे से क्या होगा, सैंड आके गिर जाएगा। ठीक है, इसका मुझे वॉल्यूम पता था, अभी सैंड को मैं क्या करी, वेट कर ली, तो मुझे यूनिट वेट मिल जाएगा ना। देन वाटर बलून मेथड क्या होता है? वाटर बलून मेथड में कुछ नहीं होता है, एक पीट होता है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है, उसका वॉल्यूम मुझे पता होता है। एक पीट बनाया गया, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेंच टाइप बनाया गया, ओके। तो इस ट्रेंच का वॉल्यूम मुझे कुछ ऐसे, सॉरी, हाँ, एक ट्रेंच बनाया गया, इस ट्रेंच में का वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ द पीट इज मेजर बाय कवरिंग द पीट विथ द प्लास्टिक सीट, ओके, एंड फिलिंग द वाटर, वेट ऑफ द वाटर दस कैलकुलेटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। अच्छा, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉइल चाहिए, ठीक है, वेट ऑफ द सॉइल तो हम निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, पानी को फुल कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें प्लास्टिक सीट को प्लास्टिक सीट कवर कर दिया गया और उसे वाटर से फिल कर दिया गया। उसके बाद वेट ऑफ द वाटर को कैलकुलेटेड किया जाता है, ओके, तो जो भी कैलकुलेट मिलता है, ओके, वो जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ द वाटर, जितना भी आया वो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के साथ सेम होता है, और वेट ऑफ द सॉइल तो मुझे आराम से मिल जाएगा क्योंकि मैं मेजर कर सकती हूँ सॉइल का वेट, वेट, तो वेट बाय वॉल्यूम जो होगा यूनिट वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।